दोस्तों आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg के बारे में। ये भी जानेंगे कि जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है ये किस किस ब्रांड नेम के साथ मार्केट में अवेलेबल है, इसके क्या यूज़ हैं और इसका कितना डोज हमें लेना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है वो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर की है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगी, बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कैसे करती है, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जाके जो 50S राइबोसोम्स होते हैं वहाँ बाइंड करता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो बैक्टीरिया को अपने ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसे स्टॉप कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ रुक जाती है और हमारा इन्फेक्शन सही हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है वो किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले तो मेरे पास है AZ 500, और भी ऐसे ब्रांड नेम है जैसे कि जैथरीन हो गया, एजिथ्रल हो गया, एजीवेंट, एजी केम और एजीप्रो। अब बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के यूजेस के बारे में। सबसे पहले हम इसे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं, जिसमें कफिंग होती है और बाकी के भी सिम्टम्स शो होते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है वो हमारे जो मिडल ईयर इन्फेक्शन है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, टॉन्सिलाइटिस में यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से फूड या फिर वाटर स्वेलो करने में पेन होता है, इसे हम यूज़ करते हैं फेरेंजाइटिस में और निमोनिया में भी, ब्रोंकाइटिस में भी। बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के डोज़ की कि हमें कितना डोज़ लेना है। सबसे पहले तो आपको ये टैबलेट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी है, फिर भी मैं एक अडल्ट का डोज बता देता हूँ कि 500 mg की टैबलेट खाना खाने के 1 घंटे बाद आप डेली एक टैबलेट ले सकते हैं, और अगर आपके किडनी या लीवर को लेके कोई इशू है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, या प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप टैबलेट का यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का ओवरडोज लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी शो हो सकते हैं, जिसमें माइल्ड गैस्ट्रिक अपसेट शो हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं और स्टमक पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।